आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का वादा किया है। और दूसरी तरफ दुनिया की डेवलपिंग कंट्रियां मंदी का सामना कर रही है। एग्जांपल अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना हुआ है, यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में इंडिया की इकोनॉमी तेजी से कैसे बढ़ रही है। किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना जरूरी होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इसलिए जहां 2014 तक भारत में नेशनल हाईवे 97,830 किमी था, जो 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किमी हो गया है। यानी मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे का नेटवर्क 50,000 किमी तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रूरल एरिया को भी इसमें जोड़ा गया है, और इसका फायदा ग्रामीण लोगों को भी हुआ है। रेलवे, जहां 2014-15 तक 1545 किमी रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे, वो 2021-22 में 2,907 किमी रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। 2006 से 2014 तक इन 8 सालों में 4698 किमी रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफाइड किया गया था। वो 2014 से 2023 के बीच 37,011 किमी रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफाइड किया गया था। वही रोड और रेलवे की तरह इंडियन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट, ब्रिज, पोर्ट जैसे हजारों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च किए। इसका इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। जहां 2014 में एवरेज डेली कंस्ट्रक्शन रेट 12 किमी था, वो अब बढ़कर 37 किमी हो गया है। वहीं मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारतमाला जैसी परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। टूरिज्म, जहां 2013 में टूरिज्म इंडस्ट्री $172 बिलियन की थी, वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के कारण 2018 में टूरिज्म का योगदान $250 बिलियन का हो गया है। वहीं कोविड के कारण टूरिज्म में काफ़ी डाउन फॉल आया, लेकिन अब फिर से टूरिज्म ने रफ्तार पकड़ ली है। कोल्ड वॉर के समय में इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था, और इस समय इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया, और इस कारण आज सर्विस सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में योगदान 50% है। वही इंडिया ने पिछले कुछ दशकों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी ध्यान दिया है। इस कारण आज मेक इन इंडिया के तहत मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में इंडस्ट्री सेटअप कर रही है। आज चीन वर्ल्ड की फैक्ट्री है, लेकिन कोविड के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ रही है, क्योंकि आज इंडिया चीन को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है। वहीं इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी और मिडिल क्लास के लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी कंपनी अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती है। और दूसरा कारण है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करेगी जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना हो। वहीं इंडिया अपने रीजन में सबसे सिक्योर देश है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। वही बांग्लादेश में भारत जितना कस्टमर मार्केट नहीं है, और चीन की तो एक अलग ही कहानी है जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, और कई कंपनियां भारत में आ चुकी है। वही इंडिया में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में एक बड़ी समस्या अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए अब इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आज इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 15-16% है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कई पॉलिसी लागू की है जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक ले जाने का प्रयास है। जहां दुनिया में कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बढ़ती हुई महंगाई से दुनिया परेशान है, वहीं इंडिया इन समस्याओं के बावजूद वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। इसलिए इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहां भारत में 2011-12 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट $46 बिलियन था, वो 2021-22 में बढ़कर $83.5 बिलियन हो गया है। इस कारण इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम और पॉलिसी लेकर आई जिससे FDI को बूस्ट करने में मदद मिली। वही इंडियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया और लेबर लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है।
अगर हमें ये देखना है कि किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से हम देख सकते हैं, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की 2014 में रैंक 144वीं थी, वो 2019 में बढ़कर 69वीं हो गई है। यानी अब भारत में बिजनेस करना आसान हो रहा है, लेकिन एक समय था जब भारत में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी और इस लाइसेंस को गवर्नमेंट देती थी। इस कारण उस समय भारत में नया बिजनेस शुरू करना काफ़ी मुश्किल था। आज भारत की करीब 3.74 ट्रिलियन जीडीपी होने के साथ ही वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी, और IMF के अनुसार भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत आने वाले कुछ सालों में G20 देशों में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला देश होगा। IMF के अनुसार भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। वहीं अब इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क नहीं है। दरअसल वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान की है, जिसकी GDP 4410 अरब डॉलर की है, और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी की है, जिसकी GDP 4309 अरब डॉलर है। और IMF की माने तो इंडिया इसी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा तो 2027 में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन भारत भले ही GDP के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पर कैपिटा GDP के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। अमेरिका की पर कैपिटा GDP 80,000 डॉलर है, जो भारत से 30 गुना ज़्यादा है। दूसरे नंबर की पर कैपिटा GDP कनाडा की है, जो है 52,072 डॉलर। कनाडा की पर कैपिटा GDP इंडिया से 20 गुना ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर जर्मनी की पर कैपिटा GDP 51,038 डॉलर है, और जर्मनी की पर कैपिटा GDP इंडिया से 19 गुना ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इंडिया के अलावा दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी में किसी भी देश की पर कैपिटा GDP 9,000 डॉलर से कम नहीं है, और ये भी इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और IMF के अनुसार भारत की ग्रोथ लगभग 6% से हो रही है। वहीं अमेरिका की ग्रोथ महज 1.6% रही, और चीन की ग्रोथ 5.2%, वहीं जापान की ग्रोथ 1.3% रही। यानी इस समय दुनिया की डेवलपिंग कंट्रियों की इकोनॉमी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इस समय भारत की ग्रोथ रेट को भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है।